पहली बॉल जी दो रन्स, खुद ही रुक जाती है बॉल आउटफील्ड में जाके, जरूरत ही नहीं, तीन लेगे। ओके आपका ऑन है, नहीं ऑफ है, उधर बटन दबाए। ग्रेट प्रेशर है जी, अलग अलग पाकिस्तान को कामयाब करे, दुआओं का सिलसिला जारी रखें सारे पाकिस्तानी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। खैर गुड यार, बाबर नीचे नीचे रहे ऊपर ना जाए, निचली निचली शॉटें काम आ रही है, नीचे नीचे से एकदम से ऊपर हो जाए। गुड यार, डबल यार, डबल को थ्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट स्ट्राइक रेट, थोड़ा सा कंटिन्यू रखें आप, सिंगल डबल करें ना, डबल प्रेशर डालती है टीम पे, टेस्ट बना ले यार, अब तो टेस्ट बना के भी खेलना जी जाना है। नहीं नहीं अगर इस एवरेज के साथ चले, इस रन रेट के साथ चले, इजी है, हर बॉल पे एक एक स्कोर भी होना, छे छे मिलता रहे तो पाकिस्तान, हां मैं ये कर लो एडिट कर लो और वो फिर मेरा चार्ज कैपकट, कैपकट से एडिट होगी यानी नहीं कहेंगे जाओ पहले वो तो कर दे मेरे लिए डीसी, बहुत क्यूट मेरा ना, वो तो कट कर, वो कैपकट से करने लगा इसको अपने में सीन की बड़ी, दो बॉलों पे छे हो गया जी, या अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, बॉल टू बॉल डॉट, ओ यार बार दिनों ना पंगा, देखें आउटफील्ड इतनी स्लो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, बांग्लादेश की पिचेस देखी आपने, उनमें भी आउटफील्ड ऐसी नहीं होती, इवन ये जो तीन चार वीडियोस हैं पोस्ट किए थे, एक में ही वीडियो में कर दूं, एक में हो जाएगी, हां एक तो इसका निकाल दो, लेकिन वो देख लेना सीक्वेंस वाइज, लाइक पहली पहली में ये ना ना इनिंग खत्म वाली हो जाएगा, कितनी है यार, अल्लाह करम कर, ग्रेट, ये बात ये अच्छी है, सिंगल गुड रनिंग, सिंगल गुड यार, बॉल गुड कॉन्फिडेंस, बस नौ हो गया तीन बॉल पे, एंड पे है तेरा सीन है, ये तो मतलब इजी कट हो जाएगा ना, हां फिर भी ध्यान से अपलोड करी, पाकिस्तान के 85% व्यूज बढ़ने हैं सीन से, रहने दे यार, नहीं 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 85% चांस, मैंने वीडियो रखनी है, मेक श्योर मैं डिलीट करूंगा, ये निकालूंगा, ये जो है ना ये फ्रेम, ये मुझे चाहिए है, ठीक है ये सेपरेटली फ्रेम है, अपने पास रखूंगा, ठीक है ठीक है, यार तूने मेरी भी इतनी वीडियो संभाल के रखी हुई थी, ये भी पास रखना, बहुत बढ़िया दो तीन है अभी तक, चले बस जी चार बॉलों पे नौ रन, यार ये रिजवान बाबर ये दोनों ऐसे खिलाड़ी है जो छह ओवर खड़े हो गए पाकिस्तान को विनिंग लाइन पे, वो देखो ये अर्शदीप ने 2022 के वर्ल्ड कप में बाबर को घर भेजा, रिजवान को घर भेजा, और एक लैंड भी थ्रू भेजा था, है शूटिंग चेक करो उसकी, ये अल्लाह खैर आराम से खेले यार तू, तेरी मेहरबानी, चार बालों पे नौ छे, शाबाश जो बाहर बॉल जा रहे हैं उसको छेड़ने की जरूरत है, और देखे ना जब आपके पास 120 बॉलें हो, मोहम्मद उस्मान को समझाने की जरूरत है, हर बॉल शॉट मारने वाली नहीं होती, क्योंकि पहली कोशिश ये करें कि 6 ओवर विकेट ना जी, आप 20 बॉलें खेल रहे हैं, आपको दो अगर आप सिंगल रेट कर रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 20 बॉलों में दो बॉडी लग जाती है, और आपको 20 में से 30 भी अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल में इनफ है, आपको एक ओवर में 9, ग्रेट यार गुड ऑफर, अस्सलाम वालेकुम विराट कोहली की फील्डिंग, हेलो शाबाश विराट कोहली भी आगे पाता हुआ, बाबर भी अच्छे, आवाज नहीं आ रही तो मैसेज कर देना, की यार ये देखो सारी बातें छोड़, कैसे 40 मिनट में खत्म हो सकता है, हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह 40 मिनट में, वो बदले बारी का ना, तो आगे नहीं यार अभी बहुत दुआओं की नीड है, अल्लाह खुशी दे दे।
अगर आज मैच इंडिया हारता है, इंडिया पे प्रेशर है यूएसए को हराने का। भाई हमें नहीं मसला किस पे प्रेशर है, बस इंडिया में जीतना है, बस दिल गार्डन गार्डन हो जाए, अगले वर्ल्ड कप तक हम खुश रहे। पिछले मैच की जो है ना हमें 2022 का अभी तक वर्ल्ड कप सिराज आ गया जी। शॉट मैन और ग्रेट शॉट, बाउंड्री ब्रिलियंट, फर्स्ट बाउंड्री बाबर की चार। बॉल बैट पे आ रही है इसलिए बेवकूफी मत करे जो कल स्टब्स ने की थी साउथ अफ्रीका के मैच में, जब मैच सीधा बना हुआ था मुझे नहीं लगता आप सीधी गलत शॉट मारे, अगर मिलर ना होता तो मैच हार गए थे, नहीं हार गए थे, साउथ अफ्रीका ने हार जाना था। तो इसलिए बाबर रिजवान अच्छा खेल रहे हैं मेरे ख्याल में, इसको वैसे आराम से सिंगल प्लेयर दे रहे हैं यार, इसकी शॉट ही ना लेते। अब देखना फील्डिंग की उधर साइड पर श्री को खड़ा किया हुआ है, ठीक है, हमारे टाइम पे मतलब कोई भी नहीं खड़ा था जिसकी वजह से हमें 3 बाउंड्रीज लगी है। अभी 20 रन एक्स्ट्रा है हमारा, अगर बाबर और रिजवान खड़े होते हैं ये 20 रन एक्स्ट्रा जी। इफ्तिखार अहमद 7 रन चाहिए T20 इंटरनेशनल में हजार करने के लिए, हम 2021 को दोहराएंगे, तब से जीतेंगे। और रिजवान अपना 100वां T20 खेल रहा है, ये माइलस्टोन्स हैं आज के। खैर हर बॉल पे ना अल्लाह को याद करने का दिल है, अल्लाह ताला फजल करे पाकिस्तान की, बस के घंटा स्कीप हो जाए ना बीच में रेड वाले चाहिए। वो खा लेंगे ना, वो उसमें निकल जाना है घंटे में यार, आधे घंटे का स्टेट आएंगे, मजा नहीं ना आएगा। और कमाल बॉल है सराज के लिए, क्लैपिंग जा सराज की, ग्रेट बॉल, अच्छा किया उसने, शुक्र है टच नहीं हुआ। 100 से नीचे आते ही रन, ओ वाह, ब्रिलियंट बॉल, ब्रिलियंट बॉल, एक्सीलेंट बॉलिंग, 6, 8, 1, 2, 3, 4 यार। हेलो राज की बहुत अच्छी बॉलिंग, अब रिजवान ने थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की है, पहले वो क्रीज के अंदर थे, अब थोड़ा क्रीज के बाहर निकल के खड़े हुए हैं। शॉट मैन, वेल डन, इसकी वजह बॉल बहुत ज्यादा आपको पता अंदर आ रही है, अंदर बाहर जडेजा की अच्छी फील्डिंग, जसप्रीत बुमराह को इस बार सेकंड एंड पे भी नहीं लाया गया है, चलो ओवर हर्षदीप ने दिया ना जी, और अच्छा ओवर पाकिस्तान के लिए साबित हुआ, अगर हम उस हिसाब से खेलते हैं तो 14 आवर में मैच स्पिन कर जाएंगे। स्टार टू वॉच, हर्षदीप बुमराह सिराज, इनका मुकाबला जो असल होगा वो बाबर रिजवान। शॉट नो, बहुत बॉल तो उठी नहीं रही भाई, हर्षदीप का पहली बॉल पे चौका खाने के बाद अच्छा कम है, नो डाउट, फर्स्ट बॉल 4, नेक्स्ट 4 बॉल जस्ट 1 रन, ब्रिलियंट मैन। पाकिस्तान ने दो डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा खेला, बॉलिंग फील्डिंग, ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी देर ये दोनों खड़े हैं ना पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, बागे भी बाहर रहेगा। ये गलत थ्रो मार के उसके हाथ को इंजर्ड किया गया है, एहतियात करनी चाहिए, जिसके मैंने सिंगल ला ली रिजवान ने कहा ठीक है तुमने मैंने मार लिया है, रिजवान ने कहा ठीक है तुमने मार ली, पर वो चौका जाना चाहिए, हो जाता बाबर हो गया रिजवान, इनको पता है सिंगल रन की क्या वैल्यू है और उनकी विकेट की क्या वैल्यू है, जैसे कोहली और रोहित का पेयर है इंडिया के लिए वैसे बाबर रिजवान के ने जी। स्कोर ओमान का हो चुका है, ओमान और स्कॉटलैंड का जो मैच चल रहा है 96/4 ओमान, और अगर ओमान जीता है इंग्लैंड के चांस बन जाएंगे, 13.4 चार आउट हो गए, 13.4 मींस के ओमान अच्छा खेल रहा है, 7.26 मेरे बालों की तरह 15 हो गया जी यस, तो 105 तो सही अल्लाह करे, मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है, अल्लाह करे जसप्रीत बुमराह ऐसे रहे, बुमराह है भाई, वेरिएशन से इंडिया चल रहा है।
पहले अर्शदीप, वो उसके बाद सिराज, नाजिस प्रहित, बुमराह, उसने विकेट ले लिए हैं 64 मैच 76 विकेट। और इकोनॉमी देखो यार, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी 6.50 अलग अलग है। रन्स रन्स यार, आउटफील्ड कितनी स्लो है फॉर पाकिस्तान, आउटफील्ड बड़ी स्लो है। टू मोर, लेकिन एक बात बताऊं, अगर उनकी दफा होता तो उनका भी टारगेट ज्यादा होता। यस, लेकिन उनका पहले उन्होंने 10 ओवर बहुत अच्छे खेले, 82 83 था, लेकिन पाकिस्तान ने नेक्स्ट 10 ओवर बड़ा अच्छा कमबैक किया। ऋषभ पंत 2.3 मीटर की जंप मारी है उसने आयरलैंड के मैच में, 2.1 आयरलैंड और इंडिया की पिच का दिखा रहे हैं, जो बहुत बहुत सी पिच बनाई गई थी। हम बाहर बैठे हैं, हम पे बहुत प्रेशर है, और जो बैटिंग कर रहे हैं उन पे कितना प्रेशर होगा। तो ये सारी गेम प्रेशर किया, जो साहब पे काबू रख गया आज वो विनिंग लाइन क्रॉस करेगा। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम अच्छी सिचुएशन में है। नहीं जी, हमारे साथ लोग भी जुड़े हुए हैं लाइव मैच देख रहे हैं, हमारी वीडियोस होगी ना, लोग देख रहे हैं, शाकार है। वो भी आपने किया है, कमेंट्स भी आ रहे हैं साथ, कल भी अली भी किया है। नहीं, शॉट एंड कैच, शुक्र एक जिंदगी बन गई। प्लान एग्जीक्यूट, बट मिस चांस फ्रॉम दुबे, शिवम दुबे ने बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान, इंडिया मिस द चांस। मुमर रिजवान बिग विकेट, खूबसूरत है जैसे, लेकिन वो परफॉर्मेंस बैटिंग में जैसे फेल हुए। तो आराम से खेल रहे, क्या मुमर रिजवान ये शॉट नहीं भाई, क्या चांस मिलने के बाद अब रिजवान लगे रहे शोएब मलिक की तरह, बाजू जरूरत ही नहीं है शॉट्स की फिलहाल। फर्स्ट 10 ओवर अगर आपका 70 हो रहा है, 65 हो रहा है, मेरे ख्याल में नहीं आपको जरूरत है। शॉट अच्छी थी, शॉट अच्छी थी, रिजवान को पता चला सीधे हाथों में दी, लेकिन नाउ दिस टाइम लक इन फेवर ऑफ रिजवान, ओवर हो गया इसका। नो नो नो, हमें ये नहीं, हमने अच्छा खेलना जिसके मर्जी ओवर हो, क्योंकि हमने सारे ओवर खेलने हैं, उन्होंने देने हैं। क्यों, हाँ जी, और ये मैच एंड तक ही जाएगा। रिजवान वर्सेस बुमराह अगेन, नाइस शॉट, 3 ओवर 19 डन, 19 फॉर नॉट, फर्स्ट 3 ओवर ब्रिलियंट, सही है। बुमराह का अच्छा प्लान एग्जीक्यूशन भी हुआ, बट है जी मिस द चांस। अरे दोस्त कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं हमारे साथ लाइव पे। हां जी, अस्सलाम वालेकुम, अवैस साहब कहते हैं जी, मुश्ताक अहमद साहब कह रहे हैं जी क्या बात है, हमने कम से कम, और उकाड़ा पॉइंट डिजिटल कह रहे हैं जनाब लाइव आओ, देयर इज अ प्रॉब्लम अवैस भाई, जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे, इनमें लाइव स्ट्रीमिंग में आने के लिए एक दिन फर्दर और रिक्वायर है, लाइव आएंगे इंशाल्लाह आपके साथ। आज के लिए माजरत इंशाल्लाह, फर्स्ट क्योंकि बिकॉज आज हमारा फर्स्ट सिटिंग थी तो कुछ इश्यूज हुए। ओ नदर बाबर, इस बार चांस मिला है बाबर आजम, बाबर आजम का कैच छोड़ दिया जी, कप्ताना पाकिस्ताना बाबर का कैच छोड़ा है सिराज ने, एफर्ट आज, हाँ जी आज जो किस्मत है वो पाकिस्तान के साथ है अभी तक, अल्लाह ताला बाकी फजल करे। ये शॉटों की नीड नहीं, ये जो कैच था ये नो डाउट जितना बाउंस हुआ उसके हाथों पे लग के सिराज के, वो दूसरे फील्डर के हाथ में जा सकता था, लेकिन ये लक रही पाकिस्तान के हक में, फेवर में। अब ये दोनों खिलाड़ियों को मिल चुका है चांस, लेकिन अब इन्हें सोचने की जरूरत है कि इनकी 50 चाहिए पाकिस्तान को। ये 10 विकेट से जीतने वाला मैच है,
खड़ा रह के और नीड टू स्टे जस्ट बस ब्रो और दे देंगे वो पैनिक हो जाएंगे जब विकेट नहीं गिरेगी। अभी तक वो पैनिक चल रहे हैं लेकिन उनको दो चांस मिले हैं तो अब उनकी रावलपिंडी में रावलपिंडी ये देख लो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसको ऐसा करो आप चार्जिंग पे लगा दो ताकि एप्लीकेशन ना ऑफ करना नहीं ऐसे एप्लीकेशन ऑफ ही जीरो पे ऐसे रख दो ना आप चार्जिंग के होता है। ग्राउंड बड़ा खूबसूरत भाई नजर आ रहा है। अगर आई पाकिस्तान यहाँ जीतता तो और भी खूबसूरत हो जाएगा। हमें मोहब्बत हो जाएगी न्यूयॉर्क से और फिर हमें वीजा दे देना। एक रन और सीधा 100 रह गया भाई। एक सेंचुरी है बाबर की भाई बात ये हमारे भाई सिख है सारे। बड़ी मोहब्बत है हमें इंडिया से लेकिन हम पाकिस्तान को प्रायोरिटी पाकिस्तान पे ही दे रहे। उस बॉर्डर पे भी हमारे भाई है इस बॉर्डर पे भी हमारे भाई है लेकिन दिल दिल पाकिस्तान। ओमान का 14.3 ओवर में 114 चार आउट। ये सैयद जाद आपको सेकंड मैच की अपडेट देते हुए ये थोड़ा सा विराट कोहली मोहम्मद रिजवान के दरमियान इस मैच के बाद जब मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता है क्वालीफाई करना आज हम जीते प्रॉपर लाइव दो नफर नमाज की भी अदा करना इंशाल्लाह। 300 या 4 ओवर जी 20 स्कोर हार्ट बीट आप दैट हैशटैग दैट चौका आते हुए मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक यार हमें फिलहाल चौका नहीं चाहिए हमें जरूरत नहीं थी इसलिए हमने रोकने की कोशिश हमने विकेट स्टैंड चाहिए हमें बस विकेट रोकनी है क्योंकि इंडिया अपना भरपूर जोर लगाया क्योंकि 100 रन है जस्ट। अगर यहाँ भी जितने भी टारगेट पाकिस्तान ने भैया कल दिए मतलब 119 का भी दिया है वर्ल्ड कप में 84 भी दिया है तो वो इंडिया अपने आप को डिफेंड करता रहा है। अब ये पाकिस्तान की बारी है कि 120 डिफेंड करे क्योंकि बॉलिंग तो डिफेंड वो भाई उन्होंने करना भाई वो करे ना डिफेंड वो कर सकते हैं उनके पास पाकिस्तान ने करना है पाकिस्तान करे पाकिस्तान इंशाल्लाह कर जाएगा करे लेकिन इंडिया डिफेंड कर सकता है भाई हमसे नहीं हुआ था यानी इंशाल्लाह हम भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। पिच बहुत खतरनाक है 84 वाले में भी एक दो अंपायर के फैसले गलत थे अदरवाइज जीत जाना था वो मैच आउट था दिया नहीं था उसमें स्कोर बहुत ही कम भी चांसेस नहीं थे उसमें स्कोर बहुत कोई गलत चांस ना दे तब रिव्यू चांस नहीं था 4 में 21 कोहली वाला आउट का बड़ा अच्छा नहीं था 99 रह गया भाई 96 147 की स्पीड है दो ओवर रह गए पावर प्ले के ना दो रह गए पावर प्ले में इंडिया का पावर प्ले बहुत अच्छा गुजरा था निस्बत पाकिस्तान नहीं हमारा अभी तक अच्छा जा रहा है विकेट के मामले में रन उनके बहुत अच्छे थे हमें विकेट भी चाहिए हाँ विकेट ही हमने ले ली विकेट चाहिए हमें बस स्कोर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 10 ओवर खेल जाए दोनों अभी मोहम्मद स्कोर है फखर जमान है उसके बाद इफ्तिखार है दुआ करो यही रहे हमारी बैटिंग लंबी है लेकिन हमें ना इंडिया को पैनिक करना है और अगर इंडिया के पैन ओवर में 60 करते हैं और बिना कोई विकेट नहीं देते इंडिया ऑटोमेटिकली पैनिक हो जाएगा लेकिन अच्छा खेल रहे हैं लेकिन जो दो शॉट्स इन्होंने बाबर ने और रिजवान ने मारी है वो थोड़ी खतरनाक थी जिसने हमें डरा दिया और इंडिया को भी होप दिलाई नहीं जी बुमराह आ गया गेम बुमराह शाबाश गुड सिंगल यूनिक से एक्शन के साथ लोग इंजर्ड होने के बाद ना उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है बुमराह की परफॉर्मेंस स्टिल वैसी है अच्छी परफॉर्मेंस है ये इंडिया के वो खिलाड़ी मैच देखने आए हैं रिंकू सिंह है बोर्ड के चीज रिंकू सिंह अच्छा है हां साथ वाले दो का नहीं पता वो जो लड़का बैठा है ब्राउन शेड इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा लेकिन ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है क्लासी है क्या वो खलील तो नहीं खलील अच्छा बॉलर है अर्शदीप जैसा बॉलर है और जो उनके साथ बैठे है उनका नाम ही जिक्र कह रहा है और इन्होंने वर्ल्ड कप में मां की विकेट ली
शॉट मैन फिल्टर क्या शुक्ला था ना साथ वो मेरा ख्याल आईपीएल वाला शुक्ला बुमराह पूछते हुए रोटी खाएगा कि नहीं उसामा को भूख लगी हुई है और उसामा ऑर्डर का वेट कर रहा बाबर की शॉट और ये चार के लिए वेरी बहुत अच्छा शॉट था ठीक है आप डिफेंसिव वे में खेले थोड़ा सा बोल्ड भी खेले ना करें ताकि अगर आपकी बॉलिंग से ज्यादा रन होता है लाइक 10 ओवर में आप 70-75 करते हैं आपके विन चांस बढ़ेंगे वो पैनिक हो गए वो पैनिक हो गए आपको एक्स्ट्रा रन देंगे विकेट नहीं गिरेगी इससे नहीं गिरेगी स्कोर हो रहा है और लेकिन इतनी मुश्किल पिच पे बाबर की शॉट बहुत बड़ी शॉट और अगर आप 10 ओवर में कहते हैं 70 करें विकेट भी दे मेरे ख्याल में फिर आप 10 की पिच पे 50 कर ये आउट हो गया कैचू है बाबर कौन बाबर कौन जी बाबर खड़ा है अभी तक पिच पे कैच चेक कर रहा है मुझे लगता है कि नहीं 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 कैच है शाजी उसने जब दूसरा लगाया ना वो चेक करने वाला होगा देखते हैं अल्लाह करे नो बॉल हो जाए नो बॉल तो नहीं है क्योंकि नो बॉल होती तो अंपायर फोर ही दे देता है वो ऊपर से ना बड़ा गलत हो गया ये बाहर जाती को छेड़ा फसाया उसने प्रॉपर बाबा ने बड़ा लाइट टच किया था या तो पूरा बैट लेके आया ऊपर लग गया यार नीचे कैच क्लिक किया है बाबर ने बाबर ने दबाने की कोशिश की नीचे को सूर्या पाकिस्तान का एक आउट जी 4/4 ओवर में 26 पे बाबर कौन उस्मान है 10 बॉल पे 13 बाबर बड़ा अच्छा खेल रहा था बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ 50 तक नहीं गए ये नहीं विकेट जा यार जहां कोहली नहीं चला वहां बाबर अल्लाह क्या करे नहीं बाबर प्लेइंग वेल भाई हमें अच्छा खेल रहा था वो आज हमें चलना चाहिए हमें नीड है आज चेस का एक रूल है ना याद है कि मतलब बांग्लादेश का मैच था श्रीलंका के साथ वो भी इसी तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ था वो तो ही दो रोडे है उसने हंसा रंगा को 3 छक्के लगाए मैच पूरा कर दिया लेकिन उसी ओवर में आउट हो गया खुद और बाद में मैच फिर एक दफा पैनिक सा हुआ और महमूद अल्लाह रियाद ने अपनी वो कॉन्फिडेंस के साथ वो 40-45 साल का यंग है अल्लाह खैर ऐसा खेलता ओ भाई उस्मान खान क्या कर जा रहे हैं उस्मान खान आज बड़ी गेंदबाजी में गेम में वापस आ गए नहीं कर दूंगा विकेट जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है भाई इंडिया वापस आया जी मैच में प्रॉपर वापस आते हुए इंडिया के चेहरों पे लो गेंद तो उठ नहीं ना रही गेंद नहीं उठ रही लेकिन ये अपना माइंड सेट उसने ऐसा करे ना ये माइंड बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी होती है इंडिया के खिलाफ आपको मिली है लास्ट बॉल बुमराह की रोक ली भाई रोक ली अल्लाह का वास्ता ही ओवर 5 ओवर 26 पे 1 ग्रेट ओवर बुमराह का जिम्मेदारी आ गई रिजवान कर ला करे क्या अब मुश्किल हो गया नहीं नहीं टेक इट इजी मैन दुआ करो इतनी जल्दी नहीं अभी 9 प्लेयर पड़े हमारे पर छोटी छोटी पार्टनरशिप चाहिए बड़ी नहीं भी लग रही 30-30 की लग रही है हाँ सबसे अच्छी चीज ये और मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या आ रहा है
आपको पता है बॉल को वो किस तरह नीचे मारता है। लेकिन इंडिया को एक और भी प्रॉब्लम है, उसको चार ओवर स्पिन से गिरवाना है, चार ओवर उसने स्पिन से गिरवाने। उस्मान पैनिक कर रहा है, अदर एंड पे भी पैनिक किया जा रहा है। ये लेफ्ट करने वाली बॉल थी, अब कैच बढ़ा लिया, डीप कैच था। बुमराह के दो ओवर हो गए, लास्ट भी आएगा बुमराह, एक और लगाएंगे शायद। मेरा नहीं ख्याल और देगा, उसने देगा, मकसद पूरा कर लिया उसने। ये चार बॉल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा मुश्किल शॉट थी, बड़ी मुश्किल शॉट। अल्लाह तेरा शुक्र है, जब तक रुझान खड़ा है मैच में, आप खड़े मैच में, आप दो आप ठीक है। पहले नहीं दुखनी थी क्योंकि आप बाबा बन रहा, और बाबा और रुझान का साथ ही एक और एक ग्यारह वाला है। बात ये कि दोनों ना कोई भी कितना बैठा हो ना उसको कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। चल चल शाबाश, ये उस्मान खड़ा रहे आउट ना। एक एक बात, अगर उस्मान अगर आज चल गया, उस्मान कर उस्मान की नेचर के अगेंस्ट है मैच, उस्मान एग्रेसिव।